मैं श्याम सुंदर सिंह, डियर हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चले बच्चे, आज मैं बाल कृष्ण भट्ट द्वारा निबंध लेकर आया हूं। निबंध का शीर्षक है बातचीत। बातचीत, बातचीत के माध्यम से लेखक ने इस शीर्षक का नाम ही धरा है बातचीत। बातचीत क्या है एक कहने की जरूरत नहीं है। बताया गया है बात माँ, बात माने बात करना और चित माने हृदय। वैसी बात जो चित हृदय को जीत ले, हृदय को जो है गदागद और अनुभूति से सभी को गदगद कर दे, वो है बातचीत। चलिए, बातचीत बताया गया है कि समाज में जब मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उन्हें समाज में रहने का, बोलने का, सीखने का बहुत बड़ा जो है एक प्रकृति द्वारा, ईश्वर प्रदत्त द्वारा हमें मिला हुआ है। और हम जानते हैं कि ये सारी सृष्टि और दुनिया जो है हम लोग ये मनुष्य द्वारा वरदान साबित है, वरदान मिली हुई है कि यदि हमें ये बातचीत, बातचीत को ही हम कहते हैं वाक शक्ति। वाक शक्ति माने बोलने की कला। ये बोलने की कला क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में बताऊंगा भाई बच्चे, निबंध के बारे में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की कला क्या है। एक एक से मनुष्य यदि हम समाज में जन्म लिए हैं, हम समाज में रह रहे हैं, तो आपस में कहीं भी जो है बोलचाल, वक्तृत्व और स्पीच, इसको कहा गया है, यदि सारा संसार यदि नहीं हम समाज में रह करके आपस में बातचीत नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, आपस में एक साथ सानिध्य में बैठकर हृदय के जो है उद्गम विचारों को हृदय में हृदयंगम करते हुए अपनी बात को उजागर नहीं करेंगे तो कोई भी फायदामंद नहीं होगा। प्रस्तुत निबंध में हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी ने जो यह लिखा है कि हमारे पास ईश्वर द्वारा प्रदत्त मिली है वाक शक्ति, और मनुष्य की ज्ञान इंद्रियों में सबसे बड़ा ध्यान देना है आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, बहुत से ऐसे आए हैं जिसको हम इस सब बोलने की कला बातचीत के माध्यम के जरिए हम कर सकते हैं। इस निबंध में बताया है लेखक हमारे कि आज घरेलू परिवार में हम जो भी हैं जन्म लिए हैं तो क्या होता है कि आपस में सद्भावना, आपस में बातचीत, आपस में रहन सहन के साथ हम रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। और समाज में ऐसे ऐसे उद्घोषक हैं जहाँ बोलने वाले लोग हैं, जहाँ पर भरी सभा में हजारों सैकड़ों बातचीत के माध्यम से अपनी वाणी के उद्गार से ऐसा स्पीच, ऐसा भाषण देते हैं लोग कि वहाँ करतल ध्वनि की उद्गार हो जाती है। ये क्या खूबी है करतल ध्वनि, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों को बताया गया है कि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है ही, लेकिन बोलने की कला ये पहले से मिली है। हमारे बहुत बड़ा प्रसिद्ध महान एक विद्वान ने रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है बताया है कि वो जो है बताया है कि वह 16 वर्ष की तक मनुष्यों के अंदर वह नहीं रह सका, मनुष्य की समाज में नहीं रह सका। वह कुत्ते और बिल्ली की तरह जंगल में पल करके रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है कुछ भी नहीं सीख पाया। लेकिन वहीं फ्राइडे
के सिद्धांत को जब उसने देखा, उसके सिद्धांत को पढ़ा, तो उसने बोलना सीख गया। और जो भाषाएं जंगली भाषा में बोलता था कुत्ते की और बिल्ली की आवाज़ में, तो मनुष्य के सानिध्य में जब गया रॉबिन्सन क्रूसो, तो उसे बोलने की कला आ गई। बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है बच्चे ध्यान देना है ये बोलने की कला, और बच्चे ध्यान देना है कि यदि इस संसार में हमें वाक् शक्ति नहीं मिली होती, बोलने की कला नहीं होती, तो पूरा संसार बधिर हो जाता, गूंगा हो जाता। इसलिए बोलने की कला बहुत ही जरूरी है, जिसको हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, बोलने की कला। जब मित्रों की मंडली, मित्र भी जब जहाँ आते हैं, तो अपने में संलाप, अपने में बातचीत ऐसा करते हैं जैसे एक एक दोस्त दूसरे से जो हृदय की बात कहता है, तो बात बात में अपनी बात को, विचारों को अवगत करता है एक मित्र दूसरी बात अपने हृदय यंगम की बात को। लेकिन यदि वहीं पर बातचीत यदि चल रही हो, और छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन बहुत ही सवार होती है, छात्रावस्था में मित्र क्या करते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र की सानिध्य में एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपस में कोई भी बातचीत होती है मनोवैज्ञानिकता के आधार पर या खेल के आधार पर, कोई भी चीज़ और ऐसा ऐसा बात को लेकर चलते हैं। यदि कोई तीसरा मित्र आ जाता है, उसमें दखल अंदाजी करने पूछता है, तो ये दोनों मित्र उसे क्या कर देते हैं, मूर्खता बनाते हैं, मूर्ख बना देते हैं। माने जो भी बात चली थी उस बात पर लेकर के, हाँ, दूसरे बात के बहाने से तीसरे को कुछ नहीं बता पाते हैं। चले बच्चे, एडिशन बहुत बड़ा विद्वान था। एडिशन का मत है कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होनी चाहिए, दो व्यक्तियों के बीच ही होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब दो व्यक्ति आपस में कन्वर्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तब या अपनी बात को खुला खुला कह देते हैं। यदि तीसरा आदमी यदि आ जाता है, तो उसे अनजान एवं मूर्ख बनाकर दूसरी बात पर गढ़ करके उसे मूर्ख बनाया। एडिशन का बहुत ही विचार जो है अपना मत दिया था। चलिए, बातचीत का प्रभाव समाज में वैसे पड़ता है जैसे हम जानते हैं कि गर्म दूध है, तो गर्म दूध के साथ यदि उसके सानिध्य में ठंडे दूध को भी रख दिया जाए, तो उसे संपर्क में आकर के जो है अपना ठंडा दूध भी जो है गर्म हो जाता है। या पानी को ही हम ले, तो गर्म दूध के साथ यदि पानी भी यदि उसके सानिध्य में है, तो जरूर उसका असर हो जाता है। ये सब बहुत सी ऐसी बातचीत के माध्यम से हमारे लेखक ने इस निबंध के माध्यम से बातचीत के बारे में बहुत सी बातें की है। चलिए आइए अन्य बातचीत को देखते हैं, क्या खूबी है कि यदि दो बूढ़िया बूढ़ी यदि अपने आदिम जमाने की बात को खोलकर कहने लगती है, तो पहले से लेकर और आदिम जमाने की बातें खोल खोल कर आपस में दो बूढ़िया जब बात करती है, तो आदिम जमाने की बात चल पड़ती है। और क्या क्या घर की बात है, क्या नहीं है, घर की आलोचना से लेकर उसके अन्य बातें भी जो होती है गजब, यदि उस बातचीत में यदि घर की सास और बहू से लेकर जो भी आपसी मतभेद है, आपसी झगड़ा है, वो भी बातचीत के माध्यम से दो बूढ़े अपने बात को, हृदय को उद्गार करते हुए आपस में बात करती हैं। तो हमारे निबंधकार जो बातचीत है, तो कहा गया है कि बातचीत ऐसी चीज है यूरोप के लोगों में
क्या खूबी है कि वहां पर एक परिभाषा ये आया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप के लोग जहां पर बोलने की कला सीखे हैं, इतना सुंदर अपना स्पीच और इतना सुंदर अपना वक्तव्य और अपना इतना सुंदर वाणी प्रस्तुत करते हैं, जहां पर उनकी बातों को सुनकर अन्य लोग गदागद प्रभावित हो जाते हैं। चले, यदि हमें मन में, यदि भी कोई भी मन में आंतरिक विरोध है, मन में आंतरिक टेंशन है, तनाव है, तो हम चाहें तो बातचीत के जरिए अपने अंदर जो कलह की भावना है उसको उद्गार करके अपने दो मित्रों के बीच अपनी भावनाओं को हम प्रफुल्लित कर सकते हैं, चित्त को प्रफुल्लित कर सकते हैं। बताया गया है कि बातचीत माने बात, वह बात जो चित्त हृदय को प्रफुल्लित करे, बातचीत। बताया है किसी कवि ने, बताया है दो पंक्ति के माध्यम से कि जो हमेशा जी के आंख से जलता रहा, कब मिल सकी उसे ठंडक कहीं, जो दूसरों की भलाई देख नहीं पाती, आंख कभी ठंडक होती नहीं। कबीर ने भी तो कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। तो हमारे उसी तरह से इस निबंध में, यह निबंध में जो है हमारे महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो बातचीत शीर्षक निबंध आया है, तो बातचीत ऐसे होना चाहिए जो समाज को हमें आकर्षित करे और समाज के प्रति हम ऐसा वक्तव्य बोलें, ऐसी वाणी बोलें, ऐसा स्पीच बोलें कि हमारी वाणी को सुनते ही समाज के बैठे लोग करतल ध्वनि से उजागर कर दे, अर्थात ताली की आवाज होनी चाहिए। और ये है हमारा बातचीत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, अंत में हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि कभी भी हमें समाज में रहना है तो दो व्यक्ति यदि बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के माध्यम से हम उजागर अपनी वाणी को करते हैं। यदि तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो पूछ बैठता है बीच में, तो हम उसे बहाना बनाकर जो है अन्य बातों से उसे भूलवाना चाहता है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आता है तो बोलता है क्या भाई बात हो रही थी। तो दोनों जब अपने आप हृदय की बात बताते हैं तो तीसरे को तो ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इस निबंध में हमारे बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो हम लोग शीर्षक पढ़े निबंध, तो इस बातचीत के माध्यम से लेखक ने समाज में हमें बोलने की कला जो है बताया है। यदि संसार में यदि वाक शक्ति नहीं होती तो पूरा संसार बधिर हो जाता, गुंगा हो जाता, बोलने की कला नहीं होती तो इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर ही विकसित होता है, आपस में बातचीत करता है, तो इसी को कहते हैं जो है बातचीत, माने अपने विचार को दूसरे के प्रति उद्गार करना। अच्छे से अच्छे सभा हो रही है, संबोधित हो रही है, जहाँ भाषण हो रहा है, तो क्या खूबी है जहाँ पर लोग बोलने की कला सीख रहे हैं तो हजारों लोग करतल ध्वनियों से उसको सम्मान देते हैं, ताली की आवाज लगती है। यह है बोलने की कला जिसमें हमारे साहित्यकार निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के माध्यम से इस निबंध में इसी के बारे में बताया है।